एंड वेलकम टू हाल सेहत का। मैं हूँ चंदा प्रसाद। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि आपको सेहत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ मिले। आमतौर पर मोटापा इतना नुकसान पहुँचाने वाला नहीं होता जितनी ओबेसिटी, जो परेशानी का कारण बन जाती है। मॉर्बिड ओबेसिटी कई बीमारियों की जड़ है, लेकिन विशेषज्ञों ने भारत में पहली बार एंडोस्कोपिक सर्जरी से इसका बेहतरीन इलाज निकाला है। मॉर्बिड ओबेसिटी आम मोटापे से अलग है और एंडोस्कोपिक सर्जरी सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है, यानी उनके लिए जिनका बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज्यादा हो। मॉर्बिड ओबेसिटी से परेशान ज्यादातर लोग अब इस इलाज को अपना रहे हैं। मॉर्बिड ओबेसिटी की सर्जरी इसलिए करवाई है कि मेरी फैमिली हिस्ट्री में मेरी मदर काफी ओबेस थी और उनको काफी प्रॉब्लम्स भी थी। डायबिटीज थी, हाइपरटेंशन थी, हार्ट डिजीज थी, और अगर मैं ये सर्जरी करवाती तो आने वाले 5-10 ईयर्स में मेरे को भी ये प्रॉब्लम हो सकती थी। क्योंकि ये दूरबीन की पद्धति से किए जाते हैं और लैप्रोस्कोपी से किए जाते हैं, मिनिमल एक्सेस सर्जरी की होल सर्जरी से किया जाता है, इसलिए पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हाई है इसमें। क्योंकि इसमें पेशेंट्स एक या दो रोज हॉस्पिटल में रहते हैं और बहुत क्विक रिकवरी होती है और उनके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे माने जाते हैं। मॉर्बिड ओबेसिटी के लिए जरूरी है कि आपका बीएमआई 40 से ज्यादा हो, बीएमआई 33 से 39.9 हो, साथ ही डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर हो, वजन कम करने के सारे तरीके नाकाम हो गए हों, मोटापे की वजह से आम जिंदगी के काम ना कर पा रहे हों। एंडोस्कोपिक सर्जरी में एक सिलिकॉन चिप पेट में डाली जाती है जिससे मरीज के खाने की इच्छा कम हो जाती है। सर्जरी के बाद मरीज को एक्सरसाइजेस और हार्मोनल सप्लीमेंट्स पर रखा जाता है। ये सर्जरी भारत के लिए नई जरूर है, लेकिन ये 15 साल पुरानी और कामयाब भी है। हर एक के लिए ये समझना जरूरी है कि ये जो ऑपरेशन है ये कॉस्मेटिक ऑपरेशन नहीं है। पेशेंट को खूबसूरत बनाने के लिए ऑपरेशन नहीं किया जाता है, ये लाइफ सेविंग ऑपरेशन है ताकि पेशेंट का वजन कम हो जाए और उनके जो कार्डियक प्रॉब्लम्स है, जो डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, ज्वाइंट प्रॉब्लम्स है, उनसे उनका बचाव हो जाए। सर्जरी के बाद जीवन भर खाने की आदतों पर ध्यान रखें, दिनचर्या संयमित रहें, मनोचिकित्सक, आहारविद, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की बराबर सलाह लेते रहना। नॉर्दर्न इंडिया में पहली बार हुई एंडोस्कोपिक सर्जरी मॉर्बिड ओबेसिटी पेशेंट्स के लिए एक बेहतरीन इलाज है। इस सर्जरी से मोटापे से जुड़ी सारी बीमारियां दूर रहती हैं और इसको करवाने वाले लोग ज्यादातर नौजवान हैं। तरुण तस्वीर, सहारा समय, दिल्ली। मोटापे को 100 बीमारियों की जड़ कहा जाता है, लेकिन अब इसका ऐसा इलाज खोज लिया गया है जिससे बिना बागडोर किए पतला हुआ जा सकेगा। इस इलाज के तहत मोटापे से निजात दिलाने के लिए दिल्ली में 4 लोगों का एंडोस्कोपिक तरीके से ऑपरेशन किया गया। 22 साल के कपिल की कई ख्वाहिशों पर उनके मोटापे ने पानी फेर दिया। भारी शरीर की वजह से ही लुधियाना के रहने वाले कपिल न तो पिता के कारोबार में हाथ बटा पाते हैं और न ही घर की दौड़ भाग। उन्हें मोटापे से छुटकारा दिलाने के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन से उनके पेट में आहार नली के नीचे सिलिकॉन बैंड लगा दिया है जिससे उन्हें कम भूख लगेगी। भूख बिल्कुल कम लग रही है इससे। थोड़ा सा पानी पियो तो लगता है हाँ पेट भर गया, अभी खाने की जरूरत नहीं है, इससे लग रहा है हाँ अभी वेट लूज हो जाएगा। डॉक्टरों का दावा है कि पहले महीने में ही उनका वजन 10 से 15 किलो कम हो जाएगा। इस ऑपरेशन के बाद कपिल का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। किसी जमाने में स्लिम रहे कपिल देव एक अच्छे हॉकी खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन मोटापे ने उनकी इस इच्छा को मन में ही दबा दिया। लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही वो इस शौक को पूरा कर पाएंगे। डॉक्टर के मुताबिक 120 किलो से ज्यादा वजन के लोग जानलेवा मोटापे के शिकार होते हैं और इसी वजह से उनकी उम्र भी कम होती है। उन्हें डायबिटीज, दिल, जोड़ों और रीढ़ की हड्डी की बीमारियों का खतरा भी रहता है। ऐसे में डाइटिंग और कसरत का भी कुछ खास असर नहीं पड़ता। इस ऑपरेशन में छोटा सा चीरा लगाकर एंडोस्कोपी के जरिए सिलिकॉन बैंड लगा दिया जाता है। इससे खाने की थैली का आकार छोटा हो जाता है और खुराक पहले के मुकाबले करीब आधी। इससे शरीर में जमा चर्बी घुलने लगती है और वजन कम होने लगता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो इसका भी ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर मरीज करीब 125 से लेके 200 किलोग्राम के होते हैं, जो सुमो टाइप के जो दिखते हैं पेशेंट्स, दे आर एक्चुअली वो पेशेंट्स हैं हु आर कैंडिडेट फॉर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। डॉक्टरों के मुताबिक ये सर्जरी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें जानलेवा मोटापा है। वो चेतावनी देते हैं
कि सामान्य कद काठी वालों के लिए ये सर्जरी खतरनाक हो सकती है। रत्ना शुक्ला, स्टार न्यूज़, दिल्ली।